एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की, SOL की, NCVAP की सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लगातार मिलती रहती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज आपकी SOL की क्लासेस की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपकी SOL की क्लासेस ऑनलाइन होंगी और 5 तारीख से आपकी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं, यानी कि आज आपकी पहली क्लास थी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, वो है सिर्फ 4th सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की क्लास की डेट शीट जल्दी ही आने वाली है, शायद मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और क्लास कैसे करनी है, इसमें कई लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि मैंने एक साल पहले भी इस पे वीडियो बनाया था कि क्लास ऑनलाइन कैसे लेंगे, कौन सी ऐप यूज़ करनी है, लेकिन अभी भी काफ़ी डाउट, काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा, अभी गला मेरा ठीक नहीं हुआ है तो थोड़ा टॉलरेट करें मेरे साथ। तो ये वीडियो मैंने फिर बना लिया दोबारा से आपके लिए। तो सबसे पहली बात कि क्लास अभी सिर्फ 4th सेमेस्टर की स्टार्ट हुई है, सेकंड सेमेस्टर क्लास भी आजकल में स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं फटाफट से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और दूसरी बात कि क्लास ऑनलाइन हो रही है, ये आपको बताया था मैंने पहले भी, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, क्लास आपकी ऑनलाइन होंगी। अब क्लास कैसे अटेंड करनी है, खासकर 4th सेमेस्टर वालों को, तो दो ऑप्शन है आपके पास। आप या तो SOL की वेबसाइट पर जाकर उसमें लॉग इन कर सकते हैं क्लास के अंदर, आपको दिखाऊंगा कैसे, और या फिर आप ऐप का इस्तेमाल करके, माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम है ऐप का, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप का नाम इस्तेमाल करके भी आप क्लास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इस क्लास को यूज़ करने के लिए आपको या तो टीम ऐप होनी चाहिए, या आप SOL की वेबसाइट पे जाके अपने क्लास के सामने, बताऊंगा कैसे करना है, और क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो उससे पहले, लॉगिन करने से पहले आपसे दो तीन चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। एक तो आपके पास मैसेज आया होगा, SOL के पास आपका नंबर और ईमेल आईडी है, और वो जो भी काम करता है वो दोनों चीज़ों पे करता है। आगे भी ध्यान रखें, अपना नंबर और ईमेल आईडी चेक करते रहें। तो आपके नंबर पे आते हैं सबसे पहले मैसेज, ठीक है, उसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ होता है। और दूसरा, अगर आपका नंबर किसी कारण से चेंज हो गया तो आपका ईमेल आईडी ज़्यादातर वही होगा, तो आपके ईमेल आईडी पे भी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। आप उसी का यूज़ करके ही लॉगिन कर पाओगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने का नहीं है, ठीक है। दोबारा सुन लो कि आपको आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड है, या आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जैसे आपने OBE एग्ज़ाम दिए थे उस पर आपको मैसेज आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है आपको मैसेज, तो आप लोग SOL में कॉल करके अपना ले लो कि भाई हमारा आईडी पासवर्ड क्या है। वैसे मेरे को लगता है कि सेकेंड सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर दोनों को ही ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आ चुका होगा। तो प्लीज़ अपने मोबाइल नंबर पर चेक कर लो मैसेज के बॉक्स के अंदर, मैसेज बहुत कम यूज़ कर रहे हैं आजकल हम लोग वहाँ पर, या फिर अपने ईमेल आईडी पर चेक कर लो कि इसी वीक के अंदर, ये जो आपका है कौन सा, अप्रैल के अंदर या मार्च के एंड में कोई मैसेज या ईमेल आया है आपको आपके आईडी और पासवर्ड के रिगार्डिंग, है ना, चेक कर लो आप लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड वाला, तो आप यूज़ करेंगे टीम ऐप। माइक्रोसॉफ्ट में आप गूगल प्ले में जाएंगे, टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम, आपको दिखाता हूँ कैसे। और उसके बाद साथ में आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं यूज़, तो आप SOL की वेबसाइट पर भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है। वैसे आप लोगों को 4th सेमेस्टर जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी पता होगा कैसे लॉगिन करना है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी शायद नहीं पता, तो मैं उनको बता देता हूँ। और सेकंड सेम वाले दोबारा देख लें, हालांकि उन्होंने भी फर्स्ट सेम में क्लास ऑनलाइन अटेंड की थी, फिर भी दोबारा देख लें एक बार कैसे करना है। और अगर आपके पास नहीं आया आईडी पासवर्ड तो मंगा लें, सेकंड सेमेस्टर वाले एक आदमी का वेट कर लें, और 4th सेमेस्टर वाले तो मंगा लें SOL से कि हमारा पासवर्ड आईडी क्या है, फटाफट हमें दे दो, ठीक है। तो फटाफट मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका प्ले स्टोर, यहाँ पे आप जाएंगे, जिनको ऐप से काम करना है उनको, ठीक है। और आप टाइप कर देंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम। मैं दिखा रहा हूँ आपको लॉगिन करके, मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये आ गया आपका टीम। वैसे आप और ऐप यूज़ करते हैं, वैसे ये भी ऐप है टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने ब्लू कलर का माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। 58 MB की ऐप है, इसको आप यूज़ करेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है उस जैसे और ऐप यूज़ करते हैं वैसे ही, ठीक है। और जो ऐप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐप नहीं काम कर रही, ऐसा भी बहुत लोगों का मैंने सुना है ऐप काम नहीं करती, तो उनके लिए पहली बार बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आप लोगों को जाना है, अगर आपकी ऐप काम नहीं कर रही, आपका आईडी पासवर्ड काम नहीं कर रहा है ऐप के ऊपर, तो आप जाएंगे सबसे पहले SOL की वेबसाइट पर, ठीक है। ये है आपकी SOL की वेबसाइट, सिंपल ऐसा टाइप कर दो खाली आप, तो आपको वेबसाइट मिल जाती है, ठीक है। ये आ गई SOL,
तो इस पर आप टिक मार देंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी sol.du.ac.in। इसको आप करेंगे कंटिन्यू वेबसाइट, और जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा ऑनलाइन, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, ये रहा ऑनलाइन क्लासेस, इस पर टिक मार दो आप। तो ये मैंने टिक मार दिया है, फटाफट से खुल गया है पेज, और दिखा दो साफ साफ हुआ है यहाँ पे हाउ टू ज्वाइन क्लास इन टीम एप्लीकेशन, ये आपको मैं दिखा दूंगा पढ़ के, अभी रुक जाओ। और लिखा हुआ है लॉग इन टू इन माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप थ्रो स्टूडेंट डैशबोर्ड, इसके बारे में एक वीडियो बना रखा है हाउ टू लॉग इन टीम ऐप थ्रो स्टूडेंट डैशबोर्ड, दोनों दे रखे हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, जाके मैं इसके इस पर जा रहा हूँ मोबाइल में डेस्कटॉप साइट व्यू पे, और जैसे ही आप इसको करोगे डेस्कटॉप व्यू, ये फटाफट से चेंज हो जाएगी वेबसाइट और दिखा देगी आपको, ये देखो, ये देखो, ठीक है जी। ये है फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर BA प्रोग्राम का, ऐसे ही आप कर सकते हैं BCom के लिए थोड़ा सा जाके, ठीक है। मान लो मैं आपको BA का ही दिखा देता हूँ, ये क्लास है BA प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर, लॉग इन टू ज्वाइन लिखा मैंने, टिक मारा, और फटाफट से उसने आपका SOL रोल नंबर और बार कोड पूछ लिया। आप लॉग इन कर सकते हैं इससे, वरना आप टीम ऐप पर जाके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ टू लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप थ्रू योर स्टूडेंट डैशबोर्ड, ये आप पढ़ लीजिए, आपके काम की चीज़ें हैं, ये पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है अभी, ये देखो हो गया डाउनलोड, ये आ गया, ठीक है, ये देखो ये आ गया लॉग इन टू SOL वेबसाइट, ये तो आपको पता ही है, आपको मैंने बता दिया अभी, ये मैं आपको बता दिया, स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आप क्लिक करोगे और फिर आप अपना रोल नंबर और बारकोड डाल के भी लॉग इन कर सकते हो, अगर आपको नहीं आया है, क्या नहीं आया, टीम ऐप का पासवर्ड, ठीक है। अब देखो जैसे आपने लॉगिन किया तो शो कर रहा है योर लॉगिन आईडी इज़ दिस एंड दिस, साफ साफ दे रहा है आपको कि लॉगिन आईडी ये है टीम ऐप की और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है ये, ठीक है, आपको पहले ही में दे रखा है ये। सो प्लीज़ डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप, ये लिखा हुआ है, इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल और टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप कैन यूज़ टीम्स microsoft.com वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जो आपके आईडी और पासवर्ड है उसमें लिखा हुआ साफ साफ ऊपर आ रहा है, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको बाय मैसेज नहीं आया, बाय ईमेल नहीं आया, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, लिखा हुआ आ रहा है फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड शेड्यूल, लिखा हुआ साफ साफ आ रहा है, आपका नहीं आ रहा, ठीक है, लिखे फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड शेड्यूल, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर वाले भी ट्राई कर लें, लगता है उनका भी आ चुका होगा, सेकेंड सेमेस्टर वाले भी ट्राई कर लें, उनका भी आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद टीम ऐप को आपको क्या करना है, यूज़ करनी है, अगर आपके पास नहीं है टीम ऐप, आप करोगे इसको इंस्टॉल, और लॉगिन आईडी पासवर्ड जो दे रखा है आपको वो आप यूज़ करके लॉगिन कर दोगे, बता रखा है देखो इसके अंदर, ठीक है। और लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड शेड्यूल्स, ये लिखा हुआ आ रहा है आपको, मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर क्लिक हियर टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आप टिक मारेंगे तो ज्वाइन करने के लिए वो आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। तो ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस यू मस्ट हैव माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल, जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको टीम ऐप पे ले जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया, और एक दो चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, कि जैसे ही आप टीम ऐप में लॉगिन करोगे तो क्या आएगा, देख लो ये रहा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम ज्वाइन एज लिखा हुआ, साइन इन एंड ज्वाइन, अगर आपने पहले साइन इन नहीं किया तो साइन इन कर लो अपने आईडी पासवर्ड से, और नहीं पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स भरेंगे उसके बारे में, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, और आपके पास आईडी ऑलरेडी है तो सेकंड जगह दिखा रखा है, आप आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों काम करने हैं आपको। अगर आप नया है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप एंटर पासवर्ड करके एंटर कर देंगे, तो ये आपको दिखाई देगा ऐसे, नेक्स्ट नेक्स्ट और गॉट इट पे आपको क्लिक करना है, ताकि ये ऐप शुरू हो जाए, और ऐप ऐसे शुरू हो जाएगी, और क्लास जो आपको इंस्टॉल है वो ऑलरेडी आपके मोबाइल पे आने लगेगी, ठीक है। तो बस यही मेन बात है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।